वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। जल्दी से सभी लोग आ जाइए फटाफट से, फिर अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हाँ आज थोड़ा सा लेट हुआ है, आ जाइए जल्दी से फटाफट से, फिर अपनी क्लास को एकदम दौड़ाते हैं, ठीक है। आइए जल्दी से फटाफट से, चलिए। एक बार कंफर्म करेंगे कि क्या हमारी वॉइस क्लियर है, एक बार सभी लोग कंफर्म करेंगे कि क्या हमारी वॉइस बिल्कुल एकदम क्लियर है। चलिए शाबाश, आज थोड़ा सा लेट हुआ है। हाँ क्लियर है, शाबाश। आज थोड़ा सा लेट हो गया है क्योंकि मंदिर गए थे, अभी अभी जैसे ही आया तुरंत हमने फोन उठाया। चलिए स्टार्ट करते हैं तो हाँ, सभी लोगों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, शाबाश। प्रिंस राजकुमार, कमल नारायण, राम जगत, नेचर और शिव शंकर, श्लोक कुमार, दिनेश, राजकुमार यादव, नेहा तिवारी, लक्ष्मी, काफ़ी सारे लोग हैं, धर्मेंद्र हैं, कोमल, निमिषा, पंकज, सुनील, सुषमा, शकुंतला हैं, असर असर राणा हैं, रोहित हैं, शाखा हैं और काफ़ी लोग हैं। मैम हम बच्चों के लिए भी दुआ करें, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सभी का सिलेक्शन होगा, आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, सभी का सिलेक्शन होगा, ठीक है। हाँ सभी लोगों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हाँ ऑडियो वीडियो ऑल क्लियर, वेरी गुड, शाबाश। चलिए नीलम जी भी आ गए हैं, संजय जी भी आ गए हैं, विनीता जी, चलिए सभी लोग आ चुके हैं, सभी लोगों को गुड इवनिंग, ठीक है। एंड सभी लोग एक चीज याद रखिएगा, आज हमने दोपहर में 12 बजे क्लास दी थी, ठीक है, उसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आ रहा, पहला अरे हाँ पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है प्रागैतिहासिक चित्र उत्तर प्रदेश में कहाँ है, सिहरिया, चंदौली, लिखुनिया, सारनाथ। करेंगे सभी लोग एकदम धुआंधार तरीके से रिप्लाई। हाँ आंसर पे आइए सभी लोग फटाफट से, और सभी लोग डेली उपस्थित हुआ करिए, ठीक है। सही है, बिल्कुल सही दिया है सभी ने, बिल्कुल वेरी गुड। ऑप्शन सी हो जाएगा, ये है लिखुनिया, वेरी गुड। आगे चलते हैं, भीमबेटका, बताइए बताइए भीमबेटका, लिखुनिया, पंचमढ़ी, ये काहे के लिए प्रसिद्ध है, बौद्ध स्तूप के लिए, प्रागैतिहासिक चित्र के लिए, विश्व मंदिर के लिए, गुफा के लिए, काहे के लिए फेमस है, वेरी गुड। ऐसे ही टॉपिक वाइज आपके सारे चैप्टर्स कंप्लीट करवा देंगे, और जो भी मतलब और भी क्वेश्चंस होंगे नए नए उनको भी लाएंगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी ये है प्रागैतिहासिक चित्र के लिए, ठीक है, वेरी गुड। आगे चलते हैं, प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र मिर्जापुर कौन से प्रदेश में पड़ता है, बता दो। मिर्जापुर एक वेब सीरीज भी आई थी, बता दीजिए कहाँ पर है। आ जाओ जल्दी से मैदान पे, क्वेश्चन का आंसर दीजिए। थर्ड पे आएंगे सभी लोग, हाँ अपने स्ट्रॉन्ग वाले उत्तर प्रदेश में, यूपी में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रागैतिहासिक चित्र क्या है, ग्रंथ चित्र है, गुहा चित्र है, कागज पर बने चित्र हैं, वस्त्र पर बने चित्र हैं, बताइए फोर्थ का क्या होगा, शाबाश। बहुत अच्छी रिप्लाई आ रही है, सभी के एक जैसे आंसर आ रहे हैं, सच में बिल्कुल यूनिटी लग रही है कि हाँ सभी को बहुत अच्छे से याद है। ऑप्शन बी ये गुहा चित्र है, वैसे सिंपल क्वेश्चन है। भीमबेटका में कौन से चित्र हैं ये पूछा जा रहा है, प्रागैतिहासिक चित्र, मुगल चित्र, बौद्ध चित्र, जैन चित्र, सभी लोग करेंगे फटाफट से फिफ्थ का, वेरी गुड, शाबाश। बिल्कुल सही दिए हैं, ये आपके प्रागैतिहासिक चित्र हैं, ठीक है। भीमबेटका कहाँ है, एमपी में, इसकी खोज कब होती है, 1958 में होती है, और करने वाले कौन है जल्दी से बताएंगे, वाकरकर हैं, और वाकरकर कहाँ के प्रोफेसर थे बताएंगे जल्दी से फटाफट से। आगे बढ़ते हैं, तो प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय क्या है बताइए, पशु, मानव, पक्षी, पक्षी मानव, अरे पशु मानव पक्षी, ठीक है ये पशु होगा, हाँ बताएंगे, हाँ शाबाश बिल्कुल सही बताया है, उज्जैन के प्रोफेसर थे, ठीक है। सिक्स का क्या होगा, वेरी गुड, ऑप्शन डी हो जाएगा, ये पशु मानव पक्षी, ठीक है पशु है ये। आगे चलते हैं,
आगे चलते हैं। अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्रों के रंग क्या है? गेरुआ है, काला, श्वेत, नीला। बताएंगे सेवेंथ का क्या होगा? सेवेंथ पे आइए। वेरी गुड, नेटवर्क इशू। एक तो स्टार्टिंग में ही ऑप्शन ए ये है गेरुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पंचमढ़ी किस प्रदेश में है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। ये तो बहुत हलवा वाला क्वेश्चन है, ये भी जिसने गलत किया तो बस फांसी की सजा होनी चाहिए उसको, गलत नहीं करना है। हाँ सही है, ऑप्शन बी ये है आपका मध्य प्रदेश में, ठीक है। मध्य प्रदेश में पांडव गुफा भी है ना, पांडव गुफा की खोज किसने की थी? बताइए जल्दी से, पांडव गुफा की खोज किसने की थी? पूछा जा रहा है मिर्जापुर किन चित्रों का कला केंद्र है? प्रागैतिहासिक, मुगल, अवधि, राजस्थानी। बताइए, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। ज्यादा टफ नहीं पूछे जाते हैं, ऐसे ही हलवा टाइप के पूछे जाते हैं और आप लोग कहीं ना कहीं घबरा जाते हैं। अच्छा, डेंजर फील्ड ने की थी, शाबाश, हो चुका कल्याण। हमने पांडव गुफा नाइन्थ का क्या होगा? हाँ नाइन्थ का बिल्कुल सही दिया है, ऑप्शन ए ये है प्रागैतिहासिक, ठीक है। आगे चलते हैं। अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ मिलते हैं? मंदिरों में, महलों में, गुफाओं में, विहारों में। शाबाश विनीता जी ने बिल्कुल सही दिया है, गार्डन में, HD गार्डन ऐसे कुछ हैं, और हंटर भी हैं, ठीक है। और जो अभी किसी ने बताया था, क्या नाम लिया था, डेंजर फील्ड, डेंजर फील्ड ने किसकी खोज की है? बताइए फटाफट से, सबकी बुद्धि बिल्कुल से घास चलने चली गई है। ऑप्शन सी होगा गुफाओं में, डेंजर फील्ड ने बाघ गुफाओं की है, ठीक है, याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। पूछा जा रहा है प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका महत्व है? रेखा रंग और प्रकृति। सभी लोग करेंगे इलेवेंथ का। वेरी गुड, ऑप्शन ए ये है रेखाओं का, ठीक है, रेखाएं ज्यादा मिलती हैं। आगे पूछा जा रहा है प्रागैतिहासिक चित्रकला किस सतह पर बनी है? बता दो, चट्टानों पर, ताल पत्रों पर, लकड़ी के पट्टों पर, वृक्ष की छालों पर। बताइए जल्दी से। नेटवर्क इशू का कोई नाम नहीं लेगा, बिल्कुल शांत रहना है। चलिए ऑप्शन ए ये है चट्टानों पर, ठीक है। हमारी क्लास एकदम तूफानी रहती है ना, इसलिए आप लोगों का नेटवर्क ही गायब हो जाता है, बेचारा झेल ही नहीं पाता हमारी क्लास को। चलिए पूछा जा रहा है इनमें से कौन असंबद्ध है? बाघ, मिर्जापुर, सिंघनपुर, भीमबेटका। बताइए कौन सा असंबद्ध है। हाँ चलिए इसका करिए फटाफट से 13। बिल्कुल सही दिया है, शाबाश, ये हो जाएगा बाघ गुफाएं, ठीक है। बाकी भीमबेटका, ये तीनों आपकी प्रागैतिहासिक है। बाघ कौन सी गुफाएं हैं? बताओ जल्दी से, बाघ किससे संबंधित है? पूछा जा रहा है होशंगाबाद कौन सी चित्रकला के लिए जाना जाता है? मालवा चित्रकला, पहाड़ी चित्रकला, शैल चित्रकला, मुगल चित्रकला। बताएंगे 14 का क्या होगा। हाँ लाइक वाइक करते रहिए, आप ही के बीच से आवाज आ रही है, सभी लोग लाइक करेंगे फटाफट से। हाँ 14 का बिल्कुल सही दिया है, हाँ बिल्कुल सही है, ये शैल चित्रकला के लिए फेमस है, ठीक है। आगे चलते हैं। पूछा जा रहा है भीमबेटका गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? राजस्थान में और उत्तर प्रदेश में, बिहार में है, मध्य प्रदेश में। करेंगे सभी लोग 15 का। चलिए आंसर की बात करें, ऑप्शन डी हो जाएगा आपके, मध्य प्रदेश में, ठीक है। कौन सी पहाड़ी में है? बताइए जल्दी से, पहाड़ी का नाम बताइए फटाफट से। पूछा जा रहा है भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सबसे पहले किस क्षेत्र में हुई? मिर्जापुर, कानपुर, इलाहाबाद, झांसी। बताएंगे सभी लोग फटाफट से। 16 का ए, बिल्कुल सही दे रहे हैं, हाँ बिल्कुल सही दिया है, 16 का ए आपके मिर्जापुर में, ठीक है। हाँ चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट में। तो पूछा जा रहा है प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानतया किस विषय से संबंधित हैं? धर्म अनुयायी हैं, अखेट संबंधी हैं, युद्ध संबंधी हैं, प्रकृति संबंधी हैं। 17,
17 बताइए, वही है मारकाट करने वाले आखेट संबंधी। ठीक है, आगे प्रागैतिहासिक काल के चित्रण की प्रमुख विशेषता क्या है? सुंदरता, मौलिकता, यथार्थता, प्रतीकात्मकता, बताइए। हाँ, आज तो चाहे जो कोई बढ़ जाओ, चाहे लड़कियां आगे बढ़ो चाहे लड़के आगे बढ़ो, कोई मतलब नहीं। चलिए, बिल्कुल सही है। क्या होगा 18 का? सब कंफ्यूज है। ऑप्शन डी, ये प्रतीकात्मकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है, प्राचीन युग में मानव द्वारा चित्र बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? बताइए, हृदयगत भय को शांत करना, प्रकृति को आध्यात्मिक स्वरूप देना, कल्पनाओं को स्पष्ट करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। 19 का क्या होगा? सभी लोग बताएंगे 19 का। वेरी गुड, बिल्कुल सही है आपका, हृदयगत भय को शांत करना। ठीक है, हाँ चलो आगे चलते हैं। घायल सुअर कहाँ से मिला है बता दो भैया, कहाँ से मिला है घायल सुअर? घायल सुअर बताइए। हाँ, भल्डरिया, मिर्जापुर। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? मिर्जापुर से। आगे बढ़ते हैं, भीमबेटका में कितनी गुफाएं हैं प्राचीन? बताइए, 500, 100 हैं, 300 हैं, 600। ये बिल्कुल रटे रटाए वाले हैं, गलत नहीं करना है बिल्कुल भी, पहला ही चैप्टर होता है ये, इसी में अगर गलती कर देना तो बिल्कुल से चुल्लू भर पानी में नहा लो। बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा, लगभग 600 है। पंचमढ़ी कहाँ अवस्थित है बताओ? अरावली, हिमालय, महादेव, नीलगिरी, कौन सा पर्वत है? आ जाओ जल्दी से, फटाफट से, पंचमढ़ी कहाँ पर अवस्थित है? हाँ देख लो, एक का कमेंट आया है मध्य प्रदेश में स्थित है। अरे पहाड़ी पूछी है इसमें, पहाड़ी पंचमढ़ी। चलो हाँ, बिल्कुल सही दिया है। 8000 वाली ही सीरीज चल रही है, 8000 वाली सीरीज ही चल रही है, परेशान मत होइए, वही चला रहे हैं हम। ठीक है, परेशान नहीं होना है। ऑप्शन सी, ये है महादेव पर्वत श्रृंखला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, परेशान नहीं होइए, 8000 क्वेश्चंस में ही इनकी भी गिनती आती है। भारत में सर्वप्रथम किस विद्वान ने प्रस्तर युग के औजार की खोज की थी? ब्रूसफुट, डॉक्टर वीरेंद्र मिश्र ने, गार्डन चाइल्ड ने, सर जॉन मार्शल ने, बताएंगे सभी लोग? 23। हाँ वेरी गुड, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ये है ब्रूसफुट ने। ठीक है, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम किस स्थल से पाषाणकालीन औजार मिला है बताएंगे? मैसूर, पल्लावरम, रीवा, ढेनकानल, कहां से बताएंगे? 24 का क्या होगा? वेरी गुड, बिल्कुल सही दे रहे हैं, बिल्कुल सही दिया है आंसर आप लोगों ने, ऑप्शन बी ये है पल्लावरम। हाँ बिल्कुल सही बता रहे हैं, अब जो है ना गुफाएं 750 हो गई हैं। ठीक है, ये भी याद कर लीजिए, नया अपडेट वर्जन 750। ठीक है, वो बुक के हिसाब से 600 था। अब पूछा जा रहा है कि किस कंदरा या फिर गुफा में आखेट का चित्र प्रमुख है बताइए? सोनघाटी, महादेव पहाड़ियां, सिंघनपुर, मानिकपुर। 25 25 पाएंगे, कंदरा हिल्स किसके लिए है? हाँ महादेव पहाड़ियों के लिए। ठीक है, हाँ हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। गुफा चित्रों में किस भावना के चित्र बनाए गए हैं? अहिंसा की भावना, आध्यात्मिकता की भावना, सहानुभूति की भावना, मानव प्रकृति का चित्र, बताएं 26 का क्या होगा? वेरी गुड, भावना किससे जुड़ी होती है आपकी? अध्यात्म से, आध्यात्मिकता की भावना। ठीक है,
पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको है? डीएच गार्डन, मनोरंजन घोष, स्टुअर्ट पिगॉट, इनमें से कोई नहीं। बताइए पंचमढ़ी। बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा, डीएच गार्डन को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भीमबेटका में प्राप्त चित्र कितने प्रकार के मिले हैं? 8, 2, 10, 4। 28 पे आइए फटाफट से। बिल्कुल सही दे रहे हैं, ऑप्शन बी ये 2 है। ठीक है, चलते हैं आगे। डीएच गार्डन का पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों सहित लेख प्रकाशित कब हुआ? 1935, 1930, 1936, 1938। 29 में क्या होगा आंसर बताएंगे? वेरी गुड, बहुत सही, बिल्कुल सही है, 1936 में। ठीक है, आगे चलते हैं। ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। पंचमढ़ी क्षेत्र में चित्र कितनी श्रेणियों में विभक्त हैं? 3, 4, 6, 2। बताएंगे 30 का क्या होगा? थर्टी नंबर, हाँ ऑप्शन ए 3। ठीक है, ऑप्शन ए वालों करेक्ट हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे है। आदि मानव अपनी सुरक्षा व शिकार के लिए किस प्रकार के हथियार का उपयोग करता था? लकड़ी, पत्थर, लोहा, हड्डी। क्या होगा 31 का? सभी लोग करेंगे। चलिए बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी ये पत्थर का यूज करते थे। ठीक है, ताम्र पाषाण काल में मानव पूजा किसकी करते थे? सूर्य, शिव, मातृ देवी, वृषभ। 32 पे आइए फटाफट से, क्या होगा आंसर? बिल्कुल सही दे रहे हैं, शाबाश, बिल्कुल ऑप्शन सी ये मातृ देवी की करते थे। पंचमढ़ी में 5 गुफाएं काटकर बनाई गई हैं, जिनके बारे में क्या कहा जाता है? पांडवों के वनवास निवास स्थल, आदि मानव के ग्रह, आर्यों का निवास स्थल, भारतीय फौज के निवास ग्रह। 33, आइए दौड़ लगा के फटाफट से 33 पे। ऑप्शन ए पांडवों के वनवास निवास स्थल को। ठीक है, आगे। होशंगाबाद के शैल चित्रों की जो मतलब मनोरंजन घोष ने खोजा था होशंगाबाद को, तो कब खोजा था ये पूछा है, बताइए। हाँ, आप ही में से 20 से आवाज आ रही है कि सभी लोग फटाफट से लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे एंड शेयर करेंगे। ठीक है, सभी लोग कर दीजिए अगर क्लास पसंद आ रही हो, वरना कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। चलिए इसका करेंगे आंसर 34। हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी 1922 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे है। बागोर के चित्र प्राप्त हुए हैं नव पाषाण कालीन सभ्यता के, मानव पाषाण कालीन, सॉरी मध्य पाषाण काल, अरे देख लीजिए आप लोग ऑप्शन बता दीजिए क्या होगा। 35 का, हाँ ऑप्शन बी मध्य पाषाण कालीन सभ्यता के। ठीक है, बागोर। आगे है। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अजीत घोष, अमरनाथ दत्त, श्री जगदीश गुप्त, रिवियर। क्या होगा 36 का? शाबाश, बिल्कुल सही है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत पूछी जाती है, इसको याद कर लीजिए, बिल्कुल से रट लेना, ऑप्शन सी श्री जगदीश गुप्त। ठीक है, मानिकपुर नामक स्थान किस जिले के अंतर्गत आता है? बताइए, सहारनपुर, उन्नाव, कानपुर, बांदा। और पता है हमारा गांव भी यहीं पर है, इसी मानिकपुर के पास में। हाँ चलिए आंसर की बात कर लेते हैं, बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ये है बांदा अपना। ठीक है, आगे। पूर्व पाषाण कालीन जीवन निर्भर था व्यापार पर, प्रकृति जीवी पर, कंदमूल पर, कृषि पर। अच्छा चलिए आंसर करिए फटाफट से 38। बिल्कुल सही है, सभी लोग करेंगे 38।
ऑप्शन बी अरे प्रकृति जीवी पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पर्सी ब्राउन ने सिंघनपुर के चित्रों का परिचय कब दिया था? सन 1950 में, 1915, 1917, 1920, बताइए। हाँ करिए सभी लोग फटाफट से। 39, वेरी गुड। सिंघनपुर की खोज किसने की? पर्सी ब्राउन ने, मतलब चित्रों की। और कब की है? याद रखना है ऑप्शन सी 1917 में की है। ठीक है, याद रखना है, गलत नहीं करना है। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया है? कांसा, तांबा, पीतल, लोहा। 40 पे आइए फटाफट से दौड़ लगा के। क्या होगा आंसर? ऑप्शन बी तांबा। ठीक है, आगे फटाफट से चलो, नहीं क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं, बैठे रहेंगे नहीं धीमे धीमे। उत्तर पाषाण काल में मानव ने अपने घरों का निर्माण किया चूना पत्थर से, मिट्टी से, ईंटों से, घास फूस मिट्टी से, बता दो क्या होगा आंसर? ऑप्शन ए होगा क्या? बताइए किससे बनाया था? बिल्कुल सही है, अपनी घास फूस से। ठीक है, था ही नहीं कुछ उनके पास। ऐतिहासिक काल के चित्रों में किसके दर्शन होते हैं? तत्कालीन जनजीवन और संस्कृति के, आस्था व विश्वास के, ज्यामिति एवं अलंकारिता के, अल्प रेखांकन के, बताइए। 42, सभी लोग लास्ट तक क्लास देखा करिए। ठीक है, लास्ट तक देखा करिए, क्योंकि क्लास में जो क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं, ये जो 8000 क्वेश्चंस हम करवा रहे हैं ना आपको, हमने प्लेलिस्ट बना दी है, ठीक है, देख लीजिएगा। और ये जो 8000 क्वेश्चंस हैं, ये मतलब काफी सारी बुक्स को कलेक्ट करके, काफी सारी जो बुक्स हैं जिसमें ओल्ड क्वेश्चंस पूछे गए हैं और जो हमें लगता है कि इम्पोर्टेंट है, उन सभी को कलेक्ट करके हम यहाँ पर दे रहे हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे से पढ़ना है ये पूरे 8000 क्वेश्चंस। चलिए आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन सी, ठीक है, ज्यामिति और अलंकारिता के। आप लोग पढ़ रहे हैं तो आपको खुद समझ में आ रहा होगा कितनी इंपॉर्टेंट क्लासें हैं। मानव ने सर्वप्रथम किस काल में शवों को दफनाना स्टार्ट किया था? पूर्व प्रस्तर युग, उत्तर प्रस्तर युग, कांस्य काल, मध्य प्रस्तर युग, बताइए। 43 का क्या होगा? वेरी गुड लक्ष्मी जी, बिल्कुल करेक्ट। हाँ, राजकुमार जी ने भी बिल्कुल करेक्ट दिया है, वेरी गुड। बाकी सब कंफ्यूज हैं, आंसर डी होगा, ये है मध्य प्रस्तर युग। ठीक है, चलिए ठीक है, खाना बनाने वालों स्टार्ट हो जाओ खाना बनाना और साथ में पढ़ाई भी। ठीक है, पशुओं का अंकन किस दृष्टि से किया गया है? शिकार में सहायक, आखेट, सुंदर रूप के कारण, मानव के सहचर, बताइए। 44 क्या होगा आंसर? पशुओं का अंकन किस रूप में किया है? तो ये मानव के सहचर के रूप में किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चक्रधरपुर की गुफाएं किस राज्य में है? राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। 45 पाएंगे। चलो आंसर करो, ऑप्शन बी, ये है बिहार में। ठीक है, भारत में सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला की खोज किसने की थी? मुगलों ने, अंग्रेजों ने, बंगालियों ने, या फिर सरकारी वाला ऑप्शन, लगाइए जल्दी से सरकारी ऑप्शन। शाबाश, सभी को पता है, वेरी गुड। ऑप्शन बी, ये है अंग्रेजों ने। ठीक है, ये नहीं कि सरकारी ऑप्शन देख लें तो बस उसी में कूद पड़े सब। चलो आगे बढ़ते हैं। प्राचीन काल में कला का मुख्य स्रोत कहां से शुरू हुआ? रेखाओं से, चित्रण से, लिपि से, इनमें से कोई नहीं, बताइए। 47, अच्छा सबको रट गया है थ्योरी की वजह से, शाबाश। 47 का क्या होगा? ऑप्शन सी, लिपि से। ठीक है, कल भी ये क्वेश्चन शायद पढ़ाया था। मंदौर में कुल कितनी गुफाएं हैं बताइए, पूछा जा रहा है। 35, 25, 30, 20, क्या होगा?
ऑप्शन सी 30। मंदौर जिले में किस स्थान पर गुफाएं स्थित हैं? मोरी, रीवा, पन्ना, बस्तर। 49। आइए जल्दी से दौड़ लगा के। ऑप्शन ए मोरी। प्रागैतिहासिक चित्रों में मानव ने किन दृश्यों को प्रमुखता दी है? पर्वतीय दृश्यों को, मानव विजय के दृश्यों को, जंगली दृश्यों को, प्रकृति के दृश्यों को। 50 पे आइए। वेरी गुड, इसी है, ठीक है। मानव विजय के दृश्यों को। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रागैतिहासिक काल के चित्र प्राप्त हुए हैं? बहुत सिंपल है, बताओ, बार बार पढ़ते जा रहे हैं। देख लो, आ गया, हमें पता था, उम्मीद थी कि मिर्जापुर ही लगेगा, और सबसे पहले दिया है नेचर ने, बिल्कुल हमें पता। देखो ज्योति भी आ गई, अजीत भी आ गए, शाबाश। दिमाग नहीं लगाना है, मिर्जापुर दिखा तो उसी में ठोंक दिया। ऑप्शन डी होगा, तीनों स्थानों पर, ये भी तो देख लो ऑप्शन बाकी। हाँ, ऑल सरकारी ऑप्शन होगा, मतलब सरकारी। चलिए आगे चलते हैं। महादेव बाजार में विशालकाय चित्र किसका प्राप्त हुआ है? भैंसे का, बकरी का, हाथी का, कुत्ते का। किसका हुआ है? 52। बकरी का, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में गोट बोलते हैं, ठीक है। पूछा जा रहा है, मधुमक्खियों के छत्ते से भरी हुई पहाड़गढ़ क्षेत्र की गुफाएं फैली हैं कितने वर्ग में? बताइए। 53 का क्या होगा? बिल्कुल सही है, रटे हैं, 1500 वर्ग में, ठीक है, मधुमक्खी के छत्ते से भरी। आगे 53 हो क्या? चलिए 54। घायल भैंसे का गुफा चित्र कहाँ है? मिर्जापुर, बांदा, सिंघनपुर, होशंगाबाद। क्या होगा 54 पे, बताएंगे सभी लोग? चलिए आंसर की बात करते हैं। ऑप्शन सी, ये सिंघनपुर, ठीक है। आगे, भारतवर्ष में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान, बताइए इसको क्या होगा, किस ईस्वी में हुआ है? 55 पे आइए फटाफट से। आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी 1863 में, ठीक है। आगे, भारतवर्ष में प्राचीनतम मानव का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ? मद्रास, पंजाब, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बताएंगे 56। और जिसने अभी तक फटाफट से लाइक नहीं किया है तो कर लीजिए, ठीक है, सारी क्लास एकदम सिलेक्टेड है और आपको एग्जाम में सिलेक्शन दिलाने वाली है। ऑप्शन ए मद्रास। सान देवी पहाड़ के शैलाश्रय के शैल चित्र किस रंग के बने हैं? कोयला रंग के, गेहुआ, खड़िया, हरी पत्तियों के रंग के, बताइए क्या होगा? 57। आप लोग इतना स्लो क्यों हो गए हैं? हाँ बिल्कुल सही दे रहे हैं, ऑप्शन बी गेहूं, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रागैतिहासिक कला के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? इसकी कला वर्णात्मक है, सामुदायिक है, व्यक्तिवादी है, सभी है, बताइए क्या होगा? 58। लगाओ सरकारी ऑप्शन फटाफट से। शाबाश, बिल्कुल सही, पकड़ने वालों ने पकड़ लिया आंसर, सरकारी वाले तो ले रहे हैं लाभ बढ़िया। चलिए बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी, ये व्यक्तिवादी है, ठीक है, ये याद रखना है, ऐसे ही कंफ्यूज करता है। आगे चलते हैं। चट्टानों को काटकर मंदिर बनाने का कार्य कौन सी शताब्दी में प्रचलित हुआ? तीसरी, दूसरी, चौथी, छठवीं, बताइए। 59। बताएंगे सभी लोग 59, फिर इसके बाद लास्ट क्वेश्चन होगा बस। हाँ
ऑप्शन बी दूसरी शताब्दी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है। हाँ, दक्षिण भारत में किस स्थान पर शैलचित्र प्राप्त हुए हैं? टेक्कल कोटा, बेल्लारी, संयन कुल्लू, कुप्पुल्लू, बताइए क्या होगा। 60, बिल्कुल सही है आपका, बेल्लारी में। ठीक है, तो आपके यहां से 60 क्वेश्चन थे। ठीक है, 60 क्वेश्चन थे, कंप्लीट हो गए। अब आप सभी लोग एक बार फटाफट से थोड़ा सा बता दीजिए कि क्लास पसंद आई कि नहीं आई, हेल्पफुल लगी कि नहीं लगी, लग रहा है कि नहीं लग रहा कि एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, बताइए। ये जो 8000 क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, जिसको सिलेक्शन नहीं लेना है वो आराम से छोड़ सकता है। ठीक है, वरना जिसको सिलेक्शन लेना है, अपनी लाइफ सुधारनी है, तो उसको ये क्लास पढ़ना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि मार्केट में 75 तरह की बुक हैं। ठीक है, 75 तरह की बुक हैं, तो हमें 75 बुक के पीछे नहीं पढ़ना है, हमें उसी बुक का चयन करना है जहाँ से हमारे क्वेश्चन मिल सकते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, जो हमें बुक अच्छी लग रही है, जो हमें लग रहा है कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो हम सभी बुकों की जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सभी को कलेक्ट करके एक ही जगह आपको 8000 क्वेश्चन की सीरीज में दे रहे हैं। ठीक है, तो आप ये मत सोचिए कि 8000 क्वेश्चन में ये कहाँ से आ गया, वो कहाँ से आ गया, हमें जहाँ पे इम्पोर्टेंट लगेगा, और देखिएगा लौट लौट के वही क्वेश्चन आपके सामने आएंगे और यहीं से क्वेश्चंस फंसेंगे आपके एग्जाम में। ऐसे ही हम नहीं बोल रहे हैं कि 125 में 124 क्वेश्चन मिल जाएंगे, ऐसे ही नहीं मिल जाएंगे। जब 1000 चीज़ें पढ़ी जाएंगी तब आपको कहीं एक चीज़ मिलती है। ठीक है, इसलिए हम पूरा संसार है, ये जितनी भी बुकें हम पढ़ा रहे हैं ना, ये पूरा एक संसार है, और इस संसार से हमें TGT 8 को क्वालिफाई करना है। ठीक है, तो बस पढ़ते रहिए, जितना पढ़ा रहे हैं पढ़ते रहिए, और रिवीजन भी साथ साथ करते रहिए। जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ही बहुत अच्छे से क्लियर होगी, क्लियर हो जाएगा आपको चीज़ें। ठीक है, हाँ बहुत पसंद आ रही है ना आप लोगों को क्लासें, हमें पता है बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है आप लोगों को। और चलिए देख लो, पंचायत में शुरू हो गए खाना पीना की बातें, पता नहीं कितने खबोड़े टाइप के हैं आप लोग, खाने पीने की बातें कर चलते हैं। लड़कियां तो ठीक ही है बातचीत, और संजय जी भी आ गए लो। हाँ, आज हमारा व्रत है, अभी हम जाते हैं, पूजा करनी है हमें, हम मंदिर से आए हैं, डायरेक्ट मंदिर से आके आपकी क्लास कर रहे हैं, अब यहाँ से जाकर हम अपने घर की पूजा करेंगे। चलिए, चलिए ठीक है, हाँ आएंगे, अयोध्या आना है, मथुरा जाना है, अभी तो शायद हम कल या परसों में शायद चित्रकूट जाएं। मैम हैप्पी बर्थडे, किसका बर्थडे है, आपका है क्या? मैम का नहीं है, अभी आने वाला है, लेकिन सबका सिलेक्शन होगा, परेशान नहीं होना है। अपने यहाँ जितने भी लोग पढ़ रहे हैं, जो डेली क्लास ले रहे हैं, बिल्कुल से मतलब बहुत अच्छे से मन लगा के अच्छे से जितने भी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं अच्छे। अरे भाई मेरा बर्थडे नहीं है, नहीं है आज मेरा बर्थडे नहीं है, काहे परेशान है सब, बस आने वाला है जुलाई में, है जुलाई में, 12th जुलाई आने वाला है, 12th जुलाई तब होता है। ठीक है, अच्छा चलिए, जिसका भी बर्थडे है हैप्पी बर्थडे। ठीक है, तो बस यही कह रहे हैं कि जितनी भी क्लासें करवा रहे हैं उसको बहुत अच्छे से लगन से पढ़ते जाइए और रिवीजन करते जाइएगा, साथ में रिवीजन करते जाइएगा, क्योंकि देखिए एग्जाम के टाइम पे इतने क्वेश्चंस हो जाएंगे, इतनी सारी बुक्स के क्वेश्चन हो जाएंगे कि एक साथ करवा पाना मुश्किल हो जाएगा हमें। ठीक है, इसलिए हम अभी से कहते जा रहे हैं कि आप लोग रिवीजन करते रहिएगा, बाद में मत कहिएगा कि मैम आपने इतना सब कुछ पढ़ा दिया रिवीजन नहीं करवाया। ठीक है, तो हमारा जितना बस चलेगा हम उतना करवाते जाएंगे रिवीजन, लेकिन एग्जाम के टाइम पे हम सब कुछ नहीं दे पाएंगे। ठीक है, इसलिए अभी से आप लोग बिल्कुल से प्रिपेयर रहिए अच्छे से। हाँ बिल्कुल, पार्टी होगी। चलिए क्लास ऑफ करते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल कृपा है राजकुमार जी, छुट्टी है आपकी। ठीक है, क्लास देख लीजिएगा लेकिन बाद में। ठीक है, चलिए ऑफ करते हैं अब। ठीक है, जाइए आप लोग आराम से खाना पीना खाइए।